आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही अलग तरीके से बहुत ही बढ़िया खस्ता खजूर की रेसिपी। हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। सो फ्रेंड, इसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में, और इसे चाय या आम रस के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना खस्ता बना है। इस आम के सीजन आप आम रस के साथ इसे इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आम रस तो पूरी आपने बहुत खाया होगा, एक बार इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ली हूँ, सबसे पहले मैदा ली हूँ मैंने, यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है। अब इसको क्या करेंगे ना फ्रेंड, हम मैदे को छान लेंगे पहले। तो यहाँ पर सारे मैदे को हम थोड़े थोड़े डालकर छान लेंगे। और देखिए यहाँ पर सारे मैदे को हमने छान लिया है फ्रेंड। अब इसमें हम क्या करेंगे ना फ्रेंड, इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं आधे कटोरी रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, और इसमें आप डाल देंगे थोड़ी सी नमक, इसको नमकीन बनाने के लिए। इसके अलावा इसमें आप कुछ नहीं डालेंगे, और इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे कि मोइन हमारा सही है कि नहीं। अगर कम होगा तो हम फिर डालेंगे, और नहीं कम होगा तो नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बंध जा रहा है, अच्छे से आराम से बन जा रहा है, लड्डू की तरह बांध कर देख लेते हैं। अगर बन जाता है तो परफेक्ट हमारा मोइन रहता है, ना कम रहता है ना ज़्यादा रहता है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, थोड़े थोड़े पानी डालकर इसको हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, रोटी और पूरी के लिए जैसे लगाते हैं ना वैसे ही डो लगाएंगे, नहीं हार्ड लगाएंगे नहीं ज़्यादा मुलायम लगाएंगे। तो इसको हम सॉफ्ट लगाएंगे, जैसे रोटी पराठे के लिए हम डेली लगाते हैं घर में, वैसे डो लगाएंगे। तो चलिए इसको डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, डो हमारा अच्छे से लग गया है। देखिए जिसमें हम डो लगाए हैं उसमें भी थोड़ा सा नहीं चिपका है, और मेरे हाथों में भी अभी नहीं चिपका, मैंने अभी हाथ धोया नहीं है, पर देखिए कितना सॉफ्ट है डो लगा है। अब क्या करेंगे ना, दो भागों में हम अपने आटे को बांट देंगे, एक थोड़ा ज़्यादा रहेगा एक थोड़ी सी कम रहेगी, एक लोई के अंतर रखेंगे हम। अब देखिए जो ज़्यादा था ना उसको हमने अलग निकाल लिया, जो कम था उसमें से हम चार लोई बनाएंगे, लगभग चार लोई बनाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर तीन ही लोई बना है, चार नहीं बना है अभी। तो इसको क्या करेंगे ना, हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे, पहले बेल लेंगे फ्रेंड। तो देखिए पूड़ी की तरह हमने बेल लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें फोक से निशान भी लगा सकते हो कि जब हम इसको तले तो ना फूले, पर ऐसे ही इसको कच्चे पक्के तलना है तो इसे फूलेगा भी नहीं, और थोड़ा बहुत वो होगा तो चल जाएगा। आप चाहो तो इसे बेलन से भी गड्ढे गड्ढे बना दो, या हाथ से भी इसे इसे चिटी चिटी सी कर दो कि वो इसे चिटकियों से दबा दो तो नहीं फूलेगा। अब इसको हमने मध्यम आँच पर रखा था, तेल हमारा लो बहुत ही कम गर्म है, ज़्यादा हीट नहीं है, मीडियम गर्म है तेल, उसमें हम तलेंगे। और इसको कच्चे पक्के तलना है, ऐसे ही देखिए एक साइड से कच्चा पक्का जैसे रोटी होता है ना वैसे ही हम तल लेंगे, और तीनों पूड़ियों को जो हम बेले हैं ना इसको तल के निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें ये हो नहीं कि फूल गया है, ये हुआ है नहीं फूला है, ऐसे ही कच्चे पक्के तलना है। आप चाहो तो इसमें कांटे चम्मच से डॉट डॉट से कर दो, उससे नहीं फूलेंगे, या बेलन से भी गड्ढे गड्ढे कर दो, कैसे भी कर दो ना फूले, खस्ता बन जाए। ऐसे भी ये खस्ता बन जाता है, और आप देखेंगे लास्ट में ये कितना सारा लेयरिंग इसका खुल जाता है। अब देखिए यहाँ पर सारे को हम तल लेंगे, ऐसे ही कच्चे पक्के तलेंगे, और गैस के फ्लेम भी लो रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे हमने तल लिया है, तीन पूड़ियाँ बनाई थी लोई को, तीनों को हमने तल लिया है। इसको गर्मा गर्म तोड़ेंगे और ठंडे नहीं होने देंगे फ्रेंड, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आगे चल के हमको दिक्कत करेगा ये, तो इसलिए इसको गर्म गर्म ही तोड़ेंगे। तो अब देखिए सारे को हमने तोड़ लिया, अभी ये गर्म है, अभी गर्म उतना गर्म है कि मिक्सी में पीस जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब क्या करेंगे ना, दो भागों में करके हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। एक भाग में पीसेंगे ना तो नहीं पीसेगा, नीचे का तो पीस जाएगा ऊपर का नहीं पीस जाएगा, क्योंकि ये आटा है ना तो थोड़ा सा तो इसमें नमी अभी है इसलिए। तो इसको दो भागों में करके हमने
मिक्सिंग ग्राइंडर में चला लिया है। देखिए एक ब्रेड का चूरा जो होता है ना वैसे ही बन गया है। अब क्या करेंगे ना, फिर से इसकी डो लगाएंगे फ्रेंड हम। तो यहाँ पर फिर से हम इसकी डो लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी वीडियो स्किप हो गई है, तो फिर इसमें हम थोड़ी सी रिफाइन ऑयल जो बचा था ना उसको डालेंगे और थोड़ी सी पानी डालकर इसकी डो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर और थोड़ी सी रिफाइंड डाल ले फ्रेंड, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी रिफाइंड डालने वाला, तो गलती से। तो अब इसको हम डो लगा लेंगे, फिर वैसे ही सब डो लगाएंगे जैसे हमने पहली बार लगाया था। अब देखिए कितना खस्ता है ना कि ये फटे जा रहा है। अब दूसरा वाला आटा हम उठाएंगे और उसमें से हम लगभग 4 लोइयां बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे मिनिमम 5 लोइयां बन रही है, तो अब हमने 5 लोई को पूड़ी की तरह बेल लेंगे, लंबी बड़ी बड़ी रोटियां बेल लेंगे, पूड़ी की तरह नहीं बेलेंगे फ्रेंड, बड़े बड़े रोटी बेलेंगे। अब सबसे पहले हमने ये जो साटे तैयार किया था ना, ये जो साटे के लिए साटा जो कि हमने पूड़ी आटे को तलकर फिर मिक्सी ग्राइंडर में चलते उसकी जो डो लगाया था ना उसकी रोटियां बेलेंगे पहले। तो देखिए मैं कितना खस्ता है कि ये फट रहा है साइड साइड से, आप देख सकते हैं कि साइड की किनारी इसकी फट जा रही है, इतना खस्ता बना है और उठाने पर भी ये टूटता है। तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। अब उसको हमने बेल लिया है, अलग रख देंगे और फिर ये 5 लोई जो बनाए थे इसको भी हम रोटी बेल लेंगे, बड़ी बड़ी रोटी बेल लेंगे, साइज इक्वल ही रहेगा, जितना वो बड़ा बड़ा बेलें इतना बड़ा बड़ा इसको भी बेल लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड, एक एक रोटी लेंगे, एक ही मैदे वाली रोटी लेंगे। तो यहाँ पर एक मैं बड़ी सी थाली ले ली हूँ, आप कोई से बड़ी सी चॉपिंग बोर्ड हो वो ले ले, या कोई चकला हो बड़ा सा तो वो ले ले, मेरे चकला छोटा है उस पर नहीं आता और मेरी चॉपिंग बोर्ड पर भी नहीं आती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थाली लिया है। अब देख सकते हैं तो एक हमने प्लेन वाला रोटी रखेंगे, एक साटे वाले रखेंगे, एक प्लेन वाला एक साटे वाला, ऐसे कर कर के हमने रख लिया है। तो एक प्लेन वाला पहले रोटी रहेगी और लास्ट में भी ऊपर भी एक प्लेन वाला, इसलिए 4 हमारी साटे की रोटी है और 5 हमारी प्लेन वाली ये रोटियाँ है। तो इसकी सारे सीटे को हमने बनाकर तैयार किया था, वैसे ही फिर सारे सीटे को लेयरिंग बाय लेयरिंग रखते गए हैं और फिर इसको बेलेंगे जितना ये लंबा हो सके, ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ताकि अभी रोल करेंगे ना तो ये मुड़ेगा तो उसमें भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ऐसे पतले पतले हल्के हाथों से बेल लेंगे और इसकी लेयरिंग बहुत अच्छे निकल कर आती है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा इसको बेल लिया है, ये थाली से भी एक्स्ट्रा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे ना, टाइटली हाथों से इसको हम रोल करेंगे, टाइटली रोल करेंगे, इसमें थोड़ी सी भी गेपिंग नहीं आने से लेयरिंग अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर इसको बांध देंगे, तो बांधने के लिए हमने इसमें पानी लगा दिया है और अच्छे से बांध देंगे। थोड़ी सी अभी लग रहा था कि ये खुल जाएगी तलने पर, तो इसलिए थोड़ी सी पानी और लगाकर इसको बांध देते हैं फ्रेंड, और इसको फिर से रोल करेंगे कि ये थोड़ा और बड़ा हो, जैसे रोल करेंगे ना वैसे और बड़ा होगा, थोड़ा और पतले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 2 भागों में काट कर दिखाते हैं इसके अंदर कितनी लेयरिंग आई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी लेयरिंग आई। अब इसके पतले पतले पीसेज में काटेंगे, ज़्यादा मोटे मोटे पीसेज ना काटे, और इसको ऐसे खींचेंगे फ्रेंड। अब इसको खस्ता खजूर के रूप में हम बनाएंगे, तो देखिए ऐसे इसको हम फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे, ऐसे ऐंठते जाएंगे और इसमें ले जाकर चिपकाते। यहाँ पर बनाते समय ध्यान दें फ्रेंड, ऐसे करते जाएंगे और देखिएगा जब तलेगा तो कितना सारा लेयरिंग इसका निकलेगा, सारा लेयरिंग खुल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही हम बनाकर तैयार कर लेते हैं, एक आपको मैंने फिर दोबारा बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो देखिए ऐसे ही हम करते जाएंगे, इसको बनाने का भी तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर हमने तेल तो पहले से ही गर्म था क्योंकि हमने साटे के लिए पूड़ियाँ तल ली थी और फिर गैस बंद कर दिया था और फिर तेल को हमने गर्म कर लिया है। तो एक थोड़ी सी आटे की हम गोली बना कर डालेंगे और तेल को चेक करेंगे, तो तेल हमारा उसमें से इतना गर्म कि उसमें से हल्की हल्की बबल्स आ रही है, देखिए बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर तेल हीट है। तो उतना ही में हम डालकर इसको पहले तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे तो फ्रेंड एक टूट जाएगा। आप देख सकते थे कि जब हम साटे वाले रोटियां बेल रहे थे, सीट तैयार कर रहे थे, तो वो टूट रहा था।
तो इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं। और 5 मिनट बाद इसको हल्के हल्के हाथों से टर्न करेंगे। तो टर्न करने के बाद देखिए हल्के हल्के हाथों से चम्मच की सहायता से आप हल्के हल्के हाथों से इसे पलट ले। तो अभी देखिए 5 मिनट से भी बहुत ज़्यादा हो गया है समय, यहाँ पर लगभग 10 मिनट हो गया है इसको हमको फ्राई करते हुए। आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट में ये होता है जब मीडियम फ्लेम रहेगा ना फ्रेंड, तो बहुत ही कम ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि हमको यहाँ पर लग गया है 20 मिनट तलते हुए। अब ये हमारा ना खस्ता खजूर ना तल गया है, कलर भी अच्छा आ गया है। बीच बीच में इसे चलाते हुए हमने इसे अच्छे से तल लिए हैं। अब सारे खस्ते खजूर के हम हल्के हल्के हाथों से निकालेंगे एक बड़ी वाली छन्नी में, और कोई भी जाली वाला स्टैंड पर आप रख दे या जाली वाला बर्तन में रख दे, ताकि इसके अंदर लेयरिंग के अंदर जो तेल गया है ना वो सारा तेल निकल जाए। 2 से 3 घंटे के लिए रख दे। और इसका लेयरिंग देखिए फ्रेंड कैसे निकल, सारा लेयर खुल गया है और देख सकते हैं, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो फ्रेंड्स बाकी के सारे खस्ता हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, ऐसे ही उसको भी तल लेंगे, और रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों कि कितना क्रिस्पी बना है और कितना खस्ता बना है। तो दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनता है। एक बार बनाकर आप स्टोर करके रख लीजिए और पूरे सीजन आम के सीजन इसे आमरस के साथ एंजॉय कीजिए या चाय के साथ टी स्नैक के रूप में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आज की रेसिपी कैसी लगे। अगर रेसिपी अच्छी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिक